हमारे साइड का कुछ आता है ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है यार। वो तो देख ही रहे हैं भाई, ओवरनाइट चेंज आ गया है। सौम्या भाभी आपने बाल कटा लिया, हमने कहा ओवरनाइट चेंज आया है। रवि भैया बहुत मजा आ रहा है यार, अब आए तो इतना कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया है मतलब मतलब क्या रवि भैया हमारी साइड से हैं, पूरे देश के स्टार हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हारी साइड से आए तो तुम बहुत खास हो जाओगे। और भाई मैं तेलुगु भी करता हूँ, मैं कन्नड़ा भी करता हूँ, मैं मराठी भी करता हूँ, गुजराती भी करता हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा दिल पे मुझे। तो इतना काम करने का शौक है कि बाकियों को जलाने के लिए करते हो? यार बलराज बाबू, बात दरअसल ये कि कई साल मुझे काम नहीं मिला था। इनिशियली व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, तो जब आपको मौका मिलता है तो आप ईश्वर को धन्यवाद देते हो कि भैया अब देश प्यार कर रहा है, इतने सालों से ऑडियंस आपको मोहब्बत कर रही है, देखना चाहती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वांट टू साइन यू, तो पूरी आत्मा झोंकते हैं। और मुझे, मैं वर्कहॉलिक भी हो गया हूँ। अमित जी मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, और इनके पापा जो मेरी आवाज है उदित नारायण। बिल्कुल बिल्कुल, योर फादर ऑल्सो वन रॉक स्टार इज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रवि भैया, जैसे आपने अभी बोला कि आदि के पापा उदित जी आपकी आवाज हैं, तो आपका मन करता है उनकी आवाज सुनने का? बेझिझक इंटरव्यू शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि घर से आते वक्त आपने पंखा बंद किया था कि नहीं? कर दिया था? बिल्कुल बंद किया। थैंक यू सो मच, एक्चुअली मैं भूल गया था। बिल्कुल सही पकड़े हैं। भाई अब तो सिर्फ घरेलू बातें होंगी, मुझे लगता है कि आज इस शो का नाम एंटरटेनमेंट की रात से बदल के नारायण की बात कर देना चाहिए। वैसे रवि सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जो नाम से फेमस होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम उनके नाम के भी ऊपर चला जाता है। आप उन शख्सों में से एक हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बाहर गए हैं, आपका एक वर्ल्ड फेमस डायलॉग है सर, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड बा, एक बार सर को भी बोलना चाहिए ना? सर एक बार हो जाए। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। रवि सर, मैं आज सब लोगों को बता दूं कि ये वही झंड है जिसको घमंड है।